प्रणाम आचार्य जी मेरा दो सवाल है एक सवाल है एक कोर्ट में मैंने पढ़ा था जिसमें आपने लिखा है कि तुमको अपनी औकात और संभावना दोनों पता होनी चाहिए तो कृपया इसमें मुझे ये बताएं कि ये हम कैसे पता कर सकते हैं इसकी क्या विधि है और दूसरा प्रश्न मेरे निजी है और शायद और लोगों की भी हो सकती है पर ये निजी रूप से मुझे बहुत परेशान कर रही है वो ये है कि मुझे क्रोध बहुत आता है और क्रोध इस हद तक आता है कि उस समय वाणी भी बहुत कठोर हो जाती है और बिल्कुल अपने पे नियंत्रण नहीं होता है जिसका बाद में पछतावा होता है और मैं ऐसा सोचती भी हूँ कि अगली बार मैं ये गलती नहीं करूँगी लेकिन फिर वास्तव में ऐसा होता है कि फिर मैं अपने आप को उसी तल पर फिर पाती हूँ और फिर पश्चाताप ही होकर रह जाता है तो कृपया मार्गदर्शन करें औकात पता चलती है अपने बैठे अपने जीवन को देख करके कैसे जी रहे हैं हुँ? एक चुनौती सामने आई है घुटने टेक दिए कितनी बड़ी चुनौती थी वो देख लीजिए कितनी बड़ी थी पता चल जाएगा कि कितनी औकात है औकात तो तुलनात्मक संदर्भ में ही पता चलेगी एक छोटा सा काम है वो करना था बाहर निकले उसको भी नहीं पूरा कर पाए तो काम को देखिए कितना बड़ा है और उसके आगे फिर अपनी सफलता या असफलता को देखिए और बहुत सारी बातें मैं तो कह रहा हूँ स्कूल और कॉलेज की जो आपको प्रमाण पत्र और अंक तालिकाएँ मिलती हैं वो भी एक तरीके से औकात ही तो बता देते हैं तो औकात जानने के ज़रिए तो लगातार मौजूद है इच्छाएँ हैं किस तल की इच्छाएं हैं पहली बात जिस तल की इच्छाएं हैं उससे पता चल जाता है अपनी औकात क्या है और दूसरी बात जो इच्छाएं हैं वो हम पूरी कितनी कर पा रहे हैं इससे भी पता चल जाता है अपनी औकात क्या है कोई छोटा सा निर्णय लिया था कि इस साल गर्मियों में फलानी जगह ज़रूर जाएंगे और चार महीने हैं अभी गर्मियाँ आने में लेकिन फिर भी जब गर्मी आई तो नहीं जा पाए चार महीनों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि जहां जाना है वहां जा पाए लीजिए पता चल गई औकात यही तो जीवन के तथ्य होते हैं कोई आदमी आया वो थोड़ी सहायता मांग रहा था दी नहीं गई स्वयं सहायता मांगने को तत्पर रहते हैं लीजिए दिख गई औकात तो लगातार ही घंटे दर घंटे जो जिंदगी में हो रहा है वो हमें हमारी औकात बता रहा है हम कैसे हैं रही बात संभावना की तो संभावना तो अनंत है संभावना पर तो कोई सीमा लगाइए ही मत जितना भी आप सोच सकते हैं जितनी दूर आपकी कल्पना जा सकती है उतनी है आपकी संभावना बिल्कुल ना अपने आप को छोटा समझिए नसीमित जब ये दोनों चीजें मैं कह रहा हूं हम एक साथ देखते हैं तो फिर भीतर से विद्रोह बड़ा क्षोभ उठता है मैं क्या हो सकता हूं मैं क्या हूं क्या होने को पैदा हुए थे और क्या बन के बैठ गए हैं एकदम छोटी सी और टुच्ची जगह पर बैठ गए हैं और लाज की बात यह कि लाज भी नहीं आती जैसे कोई जाकर के कीचड़ में ही बैठ गया हो और वहीं मस्त हो गया हो पशुओं में जानते हैं ना ऐसा कौन करता है मनुष्यों में भी हम सब ऐसा ही करते हैं एकदम किसी गंदी घटिया जगह पर अड्डा बना लेते हैं और कहते हैं यही तो मेरा ठिकाना है यही तो मुझे मस्त हो जाना है रे टीवी लगाओ कीचड़ में टीवी चल रहा है चल सकता है बढ़िया है मस्त है जिस व्यक्ति का आप ऐसा हाल देखें कि कीचड़ में दुर्गंध में भी संतुष्ट बैठा है एकदम समझौता करे जान लीजिए कि इसको ये दोनों ही बातें भूली हुई हैं अपनी औकात भी अपनी संभावना भी अपनी औकात को ये बहुत ऊंचा करके आंक रहा है और अपनी संभावना को बहुत गिरा कर देख रहा है तो वो जो अंतर होना चाहिए था जो अंतर विद्रोह की आग भड़काता है वो अंतर है ही नहीं आपके भीतर से आग तब उठती है जब आपको अपनी औकात गिरी हुई और संभावना बहुत ऊंची दिखाई देती है तब अपनी औकात और संभावना के अंतर को पाटने के लिए आप उद्यमशील हो जाते हैं आप कहते हैं ये तो अन्याय हो रहा है क्या मैं हो सकता हूँ क्या मैं हूँ और ये अंतर मैं पाट दूंगा तब जाकर के आदमी कुछ करता है लेकिन अपनी गिरी औकात को मैं उठा करके नापूँ जैसा सब करते हैं हुँ? नहीं साहब हम छोटे आदमी थोड़े ही हैं हम बहुत सही आदमी हैं गिरी हुई औकात है उसको इतना उठा के नाप रहे हैं और ऊंची से ऊंची जो संभावना हो सकती है जीवन की उसको गिरा लिया है कह रहे नहीं बहुत आगे तो देखिए जाया नहीं जा सकता आजकल हालात ठीक नहीं है हु? पिताजी चपरासी थे हम पटवारी बन जाएंगे तरक्की कर तो रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या बताइए पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना अब अपने बेटे को हम दे रहे हैं परीक्षा दिलवा रहे हैं सब इंस्पेक्टर की देखिए दो पीढ़ियों के अंदर अंदर कितनी तरक्की कर ली ये तुमने क्या किया अपनी औकात का अपनी संभावना का गिरा ली ये झूठा संतोष है आध्यात्मिक संतोष बिल्कुल दूसरी बात होती है यह बहुत झूठा संतोष है हमें तो गहरा असंतोष चाहिए और गहरा असंतोष इस अंतर को ईमानदारी से जानने से ही पैदा होगा औकात और संभावना के अंतर को असंतोष लेकिन दुखदाई होता है असंतोष अशांत करता है और हमको चाहिए होती है शांति ज्यादातर लोग अध्यात्म में भी आते हैं शांति के लिए तो हम झूठी शांति खरीद लेते हैं यही हमारी नियति है समझ में आ रही है बात बहुत दूर जाना है जीवन भर चलना है और बहुत तेज चलना है खोने के लिए समय नहीं है भटकने का कोई अवसर नहीं है जाना है दूर मुसाफिर अधिक नींद क्यों सोए रे सोच में आ रही है बात कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो मेरी गति को मंद कर दे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो मेरी ऊर्जा को क्षीण कर दे कोई ऐसा निर्णय नहीं ले लेना है जो पथ से विमुख करते अब यहां से क्रोध की बात पर आ जाते हैं क्रोध बहुत अच्छा है अगर वो आपको और त्वरा से आगे बढ़ाता है खूब करिए क्रोध ऊर्जा का एक विस्फोट है क्रोध विरोध की आग है क्रोध प्रश्न यह है कि किसका विरोध कर रहे हो प्रश्न ये है कि वो ऊर्जा किस दिशा में जा रही है क्रोध नहीं बुरा है मूर्खता बुरी है बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा लिख रहे हैं और पेन चलना बंद हो गया कुछ उसमें स्याही कहीं अटक गई कुछ हो गया है उसको एक बार कुछ ठीक किया हिलाया डुलाया नहीं चला तो क्या करती है? के तोड़ी दिया क्रोध के मारे ये तुम्हारा क्रोध तो आत्मघाती हो गया ना नहीं हो गया क्रोध आपको आपके लक्ष्य की तरफ उछाल के भेजता हो रॉकेट बना देता है वो आपको तो शुभ है ऐसा क्रोध लेकिन हमारा क्रोध ऐसा नहीं होता इसलिए क्रोध को बुरा बताया गया है आप जब भी क्रोध करेंगे आप अपना ही नुकसान करेंगे होते होंगे कोई दूसरे जिन्हें सार्थक क्रोध करना आता था हम नहीं जानते जब भी क्रोध उठ रहा हो यह मत कहिए क्रोध बुरा है ठीक है बुरा है क्रोध ये तो हमें बचपन से बताया गया ये बात हमारे काम नहीं आई जब भी क्रोध उठ रहा हो बस इतना पूछ लीजिए इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा जहां जाना है वहां से इतना प्रेम होना चाहिए कि क्रोध करने का भी आपको मौका न मिले हम्म आपका कोई प्रिय गंभीर हालत में है अस्पताल में और आप उसकी ओर तेजी से जा रही हैं अपनी गाड़ी लेकर रास्ते में आपकी गाड़ी को आकर पीछे से कोई टक्कर मार देता है आप क्या करेंगी गाड़ी रोक देंगी गाड़ी से उतर जाएंगी झगड़ा करेंगी उसको थप्पड़ मारेंगी क्या करेंगी क्या करेंगे क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे प्रेम है जो क्रोध को पीछे छोड़ सकता है क्रोध प्रेम के काम आता हो ऐसा बहुत कम होता है बहुधा क्रोध हमारा ऐसा ही होता है जो हमारे प्रेम को ही असफल कर दे क्रोध में बड़ी तृप्ति मिलती है हमको क्रोध हमको बताता है कि हम सही हैं कहीं और कोई है जो गलत है किसी के विरुद्ध आता है ना क्रोध क्रोध के पीछे धारणा तो यही होती है ना मैं सही हूं सामने वाला गलत है इसलिए मैं क्रोध करने का हकदार हुआ आप कैसे सही हैं अगर आपका क्रोध आपका ही नुकसान कर रहा है मुझे बताइए क्रोध में मूल धारणा यह होती है कि मैं सही हूं कोई और गलत है आप कैसे सही हैं अगर क्रोध आपका ही नुकसान कर रहा है तो क्रोधी मैं भी बहुत हूं और जब भी मेरा क्रोध रुका है बस इस बात के स्मरण से इस होश से रुका है कि इस वक्त क्रोध से ज्यादा कोई बड़ी चीज सामने है गुस्सा बाद में करेंगे इसको बाद में देख लेंगे अभी कुछ और है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में वो महत्वपूर्ण चीज हो तो उसके बहुत से सह लाभ मिल जाते हैं साइड hmm? बेनिफिट्स, क्रोध से छुटकारा उन सह लाभों में से एक है बहुत जोर का गुस्सा उठ रहा है और बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी और का दोष है और उसको दंड मिलना चाहिए मिलना ही चाहिए गहरी सांस लीजिए और ये बोलिए बाद में क्या बाद में। उसको भी बोल दीजिए माफ नहीं किया है बस बाद में बाद में आता ही नहीं कभी ठीक हुँ? और कभी फुर्सत में मिल गया बाद में तो फिर कोई बात नहीं पर इतना जरूर करिए कि अपने गुस्से को अपना ही नुकसान मत करने दीजिए ठीक है जो चीज़ कीमती है जीवन में उसको पूरी तरह याद रखिए गुस्सा इतना बड़ा नहीं भड़ास निकालना इतनी बड़ी बात नहीं कि उसकी खातिर अपने प्यारे लक्ष्य की कुर्बानी दे दी जाए गुस्सा बाद में देखेंगे अभी कुछ और ज़रूरी है